हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज जो आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक का जो फर्स्ट पेपर का जो मॉर्निंग पारी में जो पेपर होना था उसको रद्द कर दिया गया था, तो ये बात तो सबको मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो भी जारी कर दिया गया। और यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन में आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 को दिनांक 21/12 से 24/12 और 26/12/22 पर 27 जून तक किया जा रहा है। दिनांक 24/12/22 का प्रातः जो 9 बजे का एग्ज़ाम 11 बजे तक आयोजित ग्रुप सी उनका सामान्य ज्ञान यानी फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, जीके और साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो अप्रिय कारणों से क्या है कि स्थगित कर दिया गया। उसकी नई तारीख बहुत ही जल्द आपकी आ जाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी जो हैं जिनका आज पेपर था, उनको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है कि ये क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपके लिए अच्छा समय। कोई बात नहीं, राजस्थान रोडवेज वाले आपको फ्री में आवागमन करवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इस न्यूज़ से अतो उत्साहित होकर जो मेन सब्जेक्ट का पेपर है वो मत आप डिक्लाइन कर देना, कैंसिल मत कर देना, स्थगित आप मतलब आपको जाना है, क्योंकि केवल और केवल ये लिखा गया आज जो 9 से 11 वाला पेपर जो होना था उसी को स्थगित किया है। अगर किसी का सब्जेक्ट का पेपर पेंडिंग पड़ा ना, तो उस सब्जेक्ट को तो आपको देने जाना ही जाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो विचलित हो चुके हैं कि हम इतनी दूर से आए थे, हमारे जो पेरेंट्स वगैरह वो भी परेशान हुए हैं, तो ये बात आपकी जायज़ है। लेकिन कुछ नहीं, बहुत ही जल्दी आरपीएससी जो है उदयपुर में ऐसी संभावना लगी थी कि कहीं पेपर जो लीक है वो न हो जाए। आपने पुलिस घेराव भी देखा था एक बस के आसपास में। तो इस तरीके का जो फैसला है, सरकार ने औचक फैसला लिया, उसको सरकार जो है वो धन्यवाद के पात्र भी है। लेकिन क्या कमियां रहेगी, उस कमियों को भी सरकार को देखना होगा। लेकिन आप अपना जो काम है वो निरंतर करते रहिएगा। अब 5-4 दिन और पढ़ लीजिएगा भाई, जैसे पेपर के पैटर्न आ रहे हैं उस आधार पर आप पढ़ते रहिएगा, उसी आधार पर पेपर जो है वो आपका होने वाला है, चिंता आपको करनी नहीं है। और आपको एक बात फिर से बता दूं कि सब्जेक्ट का पेपर आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको देख के आना है, नहीं तो आप फिर इस कैंसिल वाले पेपर